So, beginning with the class, every week I bring to you some big news which is always forming a question. I have been lucky enough कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी खबर मिल जाती है जो सवाल बनती बनती है और जो मजाक भी बनती है. So, इस बार देश में क्या हुआ है? इस बार देश में ये हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द टू बिग कोर्ट्स, द बिगेस्ट पिलर और द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर आर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्स, आपस में ही लड़ रहे हैं, बताओ. एंड फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है हाई कोर्ट को, दिस इज व्हाट दे सेइंग, ले जाओ इसे यहां से, इससे पहले कि मैं इसको मुर्गा बना दूं. हुआ क्या है कहानी भी सुनाऊंगा, बट एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. बट बिफोर दैट वी वॉन्ट टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द क्लास. सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस का क्या रूल है जी, सिक्स क्वेश्चंस हैं आपके पास. यू हैव सिक्स एमसीक्यूज फ्रॉम द प्रीवियस वीक्स न्यूज, एंड जो भी सबसे ज्यादा आंसर देता है उसे क्या मिलता है, चॉकलेट. हर हफ्ते बदल बदल के ब्रांड, राइट. जिसको जो पसंद हो, इस बार जो जीतेगा उसका राइट होगा, बताएगा कौन सा ब्रांड पसंद है, राइट. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चंस. यू आर सपोज टू जस्ट राइट ऑन योर पीस ऑफ पेपर विद योर नेम, ए बी सी डी, जो भी आपको आंसर लिखता है, क्वेश्चन नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर. एंड देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता. जिसने अखबार पढ़ा है इस हफ्ते उसे सब कुछ आता है. इतना आसान होता तो क्या मजा आता. सी द अप्रोच वाई आई एम डूइंग सो, बिकॉज आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, है ना, अखबार हर कोई पढ़ रहा है. वी हैव डिस्कस्ड कि करंट अफेयर्स न्यूज क्वेश्चन कैसे बनती है, राइट. क्योंकि अखबार हर कोई पढ़ता है, अप्रोच वो होनी चाहिए भी इसमें से सवाल क्या आ रहा है, ऑडिबल ना टिल द लास्ट. तो सवाल क्या आ रहा है उसके ऊपर वी हैव टू हैव दैट अप्रोच. इन द फर्स्ट क्लास वी फाउंड आउट कि महुआ मित्रावली न्यूज क्वेश्चन कैसे बनी. सो यू शुड बी रीडिंग द न्यूज़पेपर इन विद सच अ व्यू दैट हाउ क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम इट, राइट. मजे लेने वाली न्यूज मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, बट क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं इफ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट इट, राइट. वी डिस्कस्ड अबाउट द बैकवर्ड लिंकेज ऑफ द प्रीलिम्स एंड द फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ द मेंस, राइट. वी डिस्कस्ड इट. सो आई वॉन्ट टू बिल्ड दैट अप्रोच इन यू कि एक दो हफ्ते बाद ऐसा काम हो जाए कि मैं सवाल लाऊं, आपको ऑलरेडी आंसर पता हूं बिकॉज आपने प्रिडिक्ट कर लिए थे, राइट. इफ यू कैन डू दैट, देन वी ऑल्सो डिसाइडेड कि करंट अफेयर्स के अलग नोट्स नहीं बनाएंगे. वी विल बिल्ड वन सोर्स नोट्स ओनली, है ना. सो दैट इज द बेस्ट अप्रोच एंड दैट इज वट वी आर फॉलोइंग. सो आप सारे अग्री करते हैं तो क्वेश्चन करते हैं फिर. प्लीज अटेम्प्ट दीज. 6 हैं, 3 अभी डिस्प्लेड हैं, 3 और आएंगे. जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन 1, ए बी सी डी, वट एवर यू फाइंड द आंसर टू बी. इजी क्वेश्चन है आज. सम आर सरप्राइज एंड स्माइलिंग, ये क्या हो गया हमारे साथ. एमसीक्यू की ब्यूटी यही है, ए बी सी डी जो मर्जी लिखो बट यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट द आंसर. चेक यहीं पे होंगे जिसको नहीं पता. मैम यू वांट पेन एंड पेपर, लाके दूं कुछ तो लिख दो, ए बी सी डी जो मन में आए. एक पेज देना मैम प्लीज. जस्ट राइट व्हाट एवर यू वांट, व्हाट एवर यू फील इज द आंसर. इन टोटल यू हैव 6 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस.
हाँ जी ठीक है सवाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारा कुछ करंट न्यूज तो है जी। दी श्री आर डन एवरीबडी I hope you at least recognize the news on which this is based. हाँ जी डन 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 एवरीबडी डन सबमिट योर आंसर्स। एक सेकंड और चाहिए। यू कैन ये चेक करते जाना। Done. नाम तो लिख देते यार पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत पास में हो गया। हाँ जी यू टेक दिस रजिस्टर नाम ऑप्शन देखना देख लो जी। यू गाइस डन। अरे ए बी सी डी लिखना है। सी विल नॉट गेट सो मच टाइम इन द एग्जाम राइट। You've written right. ये आपके आंसर हैं? हाँ? आप पढ़ो क्वेरी। Just have this, हाँ जी? What have you done? No problem. Just give that to me, the single page. Yes, sir. No problem. The page would be returned to you. What? Don't worry. एक पकड़ लो यार, एक रख लो अपने पास। हाँ जी। Everybody submitted their answers. कोई ऐसा जिसके पास अपनी कॉपी पड़ी हो भी? Done. हाँ जी आप दो। ये ले लो नीचे से। कोई ऐसा जिसके पास आंसर चेक करने को ना हो भी?
चलो हो गया हिसाब बराबर। और कोई जिसके पास चेक करने को ना हो? राइट, आई विल डिस्कस दोज फर्स्ट, लेट्स चेक द आंसर्स। सो दीज आर द आंसर्स, आई विल स्पेल देम आउट, आई विल रीड देम आउट। वन इज बी बॉम्बे, टू इज सी चंडीगढ़, थ्री इज बी बॉम्बे, फोर इज सी चंडीगढ़, फाइव इज डी दिल्ली, सिक्स इज सी चंडीगढ़, सिक्स सी चंडीगढ़। सो डन, एवरीबडी इज चेक दैट। सो कोई ऐसा है जिसके छह में से छह सही हो किसी के पास? कौन है बच्चा? अच्छा, और पांच वाले? जस्ट अ मिनट, पांच वाले, चार वाले, तीन, तीन कौन कौन है? तीन ना, किसका पेपर आपके पास? विवेक तीन, हुनर तीन। सो स्वाति एक्चुअली विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज शी इज अ प्रीवियस ईयर स्टूडेंट ऑफ माइन, शी इज ऑलरेडी एन ऑफिसर इन द पंजाब गवर्नमेंट। सो शी इज हेयर एक्चुअली टू टेल अस कि ऑफिसर बनने के लिए क्या चाहिए होता है। सो लेट्स गिव हर अप्लॉज एंड अ चॉकलेट। राइट राइट राइट। सो गोइंग फर्दर, लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड हाउ दे वर इन न्यूज एज वेल। जस्ट अ मिनट, ऑपरेशन पोलो डायरेक्टली न्यूज में नहीं था, डायरेक्टली न्यूज से सवाल नहीं बनता है। ऑपरेशन पोलो था हैदराबाद लिबरेशन का। हैदराबाद लिबरेशन किससे कराई थी हमने? रजाकार थे वहां पे, द मिलिशिया और द आर्मी ऑफ द हैदराबाद निजाम। राइट, एम आई ऑडिबल देयर? तो रजाकार वो आर्मी थी जो हैदराबाद निजाम की थी, हमने उनपे पुलिस ऑपरेशन करा के वल्लभ भाई पटेल साहब ने हैदराबाद को लिबरेट करवाया था। राइट, सो विद दैट व्हाट हैज हैपेंड, एक हसीना अपना देश छोड़ के भाग गई है बांग्लादेश। हसीना के पापा कौन थे? मुजीबुर रहमान रहीम। राइट, उनके जो पापा थे उन्होंने बांग्लादेश को किससे आजाद कराया था? फ्रॉम इस्लामिक नेशनलिस्ट, फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान्स कंट्रोल, मुक्ति वाहिनी बना के। मुक्ति वाहिनी लड़ किसके खिलाफ रही थी? रजाकर्ज के खिलाफ, रजाकर्ज एंड ऑल्सो पाकिस्तान आर्मी विच वॉज सपोर्टेड बाय रजाकर्ज। सो क्वेश्चन का स्टाइल देखा कहां से आया? दिस इज हाउ यूपीएससी मेक्स क्वेश्चंस। ये नहीं पूछेंगे हसीना कहां भागी या कहां पे लैंड करी थी, कैसा हुआ, दैट इज नॉट रेलेवेंट। राइट, तो प्रीलिम में दिस काइंड ऑफ बैकवर्ड लिंकेज इज कंसिडर्ड। मेंस में दे विल आस्क यू कि यार बांग्लादेश में हसीना भागने से इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, वो बात करेंगे आगे। बट नाउ यू गॉट द पॉइंट, कहां से सवाल आया, कौन सी न्यूज से आया। सो आंसर इज लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, statements about international conference on agricultural economics, this is happening in India right now, I think 2nd se 7th August tak ye conference hai, New Delhi mein hai, and these kind of obscure organizations definitely form questions in UPSC, aapne pichla paper dekha hoga. Right, at least two or three such organizations which are not so famous form questions, hence The 32nd ICA will take place in New York, नहीं सर New Delhi है। अब इसमें साथ में अटेम्प्ट करने का तरीका भी सोचते जाना। न्यूयॉर्क था, मैंने उसे New Delhi था, न्यूयॉर्क कर दिया। This is how the questions are made. Actually, prelim में such a paper, अगर आप समझ जाओ क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं तो आपको एक्चुअली प्रीलिम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। You can predict it. But what's the irony was the anomaly? Majority of the teachers or the coaches don't tell you this. किताब पढ़ लो, हरी पीली लाल जितनी मर्जी पढ़ लो, जिसने प्रीलिम दिया है उससे पूछो कोई सवाल आता है, जाके पता लगता है यार ये तो पढ़ा ही नहीं। Right? So this is the idea how you guess things. India hosted the conference in 1958. Right? Nehru sahab was here and the first conference. Actually, the foundation for this organization was laid in India. And बड़ी दुख की बात है, इट्स अ सैड थिंग दैट वी फॉर्म्ड इट, वी आर अ नेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर
एंड हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस इतने सालों बाद आई है, राइट? सो अब कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही है, ये सही है, दिस इज ऑल्सो राइट. लॉर्ड एल के अमरेश वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ ICAE. दिस माइट बी एज सच इन द एग्जाम, तो ध्यान रखना इस कॉन्फ्रेंस को. इस कॉन्फ्रेंस के क्या आउटकम है वो मेंस में काम आएंगे, राइट? देन स्टेटमेंट्स अबाउट पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स. वाइल्ड फायर लगी है कहां पे? जंगल में लग गई आग. और जो जंगल में चड्डी पहन के पता चला था, क्या पता चला था? फूल खिला था, तो जो फूल खिला था वो भी जल गया. सो उससे क्या होता है जी, दिस वॉज इन न्यूज. यूएसए में वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा लग गई है. कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, वहां पे बेचारे कई सारे कंगारूज मर गए थे, राइट? सो कैंगरूज मरे, बहुत सारे जानवर मरे, बट कॉन्सेप्ट प्रीलिम के लिए क्या निकला? पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स. क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स कौन से होते हैं? जो एनविल शेप्ड क्लाउड्स होते हैं ना, दीज आर वर्टिकली वेरी हाई. निम्बस क्लाउड्स कौन से हैं? जो बारिश करते हैं. जब क्लाउड की क्लासिफिकेशन आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, वहां पे क्यूमुलो निम्बस के साथ एड दिस, सो दैट यू डू नॉट हैव कि ऐसा हो कि यार हमारे पास स्टैटिक के नोट्स इतने बड़े हैं, करंट के उससे बड़े हैं. फिर बाद में जब प्रीलिम आया तो हम भागते फिर रहे हैं, ये पढ़ें कि वो पढ़ें, राइट? दिस इज द नेचर ऑफ द एग्जाम. समझो इस चीज को, दैट डीसी लग के भी, एसपी लग के भी इतना काम मिलेगा कि कभी पूरा नहीं होगा. यू विल बी ऑलवेज लेफ्ट वॉन्टिंग फॉर मोर. आई होप मैडम यू कैन टेल मी यू आर ऑल्सो ऑलवेज लेफ्ट वॉन्टिंग फॉर मोर इवन आफ्टर बींग सिलेक्टेड, राइट? कि नेचर ऑफ एग्जाम नेचर ऑफ जॉब जैसी है ना, इसको कंसाइज एंड कंस्ट्रिक्ट करना ही प्रिपरेशन है. नहीं तो नोट्स तो यार ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, गूगल से ले रहे हो, जहां मर्जी से ले लो. आई वुड से कि यार अगर नोट्स ही चाहिए और वीडियो ही देखनी है तो 2-3 लाख रुपए क्यों वेस्ट करने, है ना? टेलीग्राम पे 400-500 में सारी वीडियोज मिलती हैं, ले लो. बट दैट विल नॉट मेक यू एन ऑफिसर. That will make you content rich and रद्दी वाला अमीर होएगा आपसे. कितनों ने यहाँ पे करंट, जिन्होंने एग्जाम दिया है, करंट अफेयर्स की कट्ठी कट्ठी रद्दी बेची है बाद में अगले साल. एक सिर्फ हिम्मत वाला है, बाकी बता नहीं रहे हैं. नहीं तो घर पे कट्ठी करी हुई है, घर पे किन्होंने कट्ठी करी हुई है? 1-2 अभी बाकी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, आपके दिन आने वाले हैं. सो अवॉइड दैट. Make it more and more concise. It is not about reading 100 books once. It is about reading one book 100 times. So let's first create that book. Right? So pyro cumulo nimbus, yaar, simple sa concept hai. Aag lagi, garmi hogi. Garmi hogi to aaspaas ki hawa garam ho jayegi. The air will heat up. Heat up hoegi to obviously halki hai to rise up hoegi. Rise up hoegi to phailegi aur cool down hoegi. कूल डाउन होएगी तो कॉन्डेंसेशन होएगी. कॉन्डेंसेशन होएगी तो क्लाउड बनेंगे. भाई चिड़िया है तो घोंसले है, आशा है तो भोंसले है. सो सिमिलरली जब 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आग से, अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, बहुत बड़ी आग लगती है, सो आसपास की हवा गर्म हो जाती है. द एयर हीट्स अप. सो बिकॉज ऑफ दैट हीट द एयर राइजेस एंड देन राइजिंग इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स डाउन. And then the air has water vapor, smoke and ash. The water vapor condenses upon the ash. जैसे सर्दियों में हमारे गाड़ी के शीशे पे नहीं होता, छोटे छोटे droplets आ जाते हैं. That is condensation, right? So बहुत ज्यादा height वाले clouds बन जाते हैं, लगभग 50,000 feet तक. Clouds form till 50,000 feet. And lightning कैसे होती है, by the way? कल परसों बिजली कड़क रही थी. दो चीजें नोटेबल हैं, एक मैं बता देता हूं, दूसरी आप बता देना, कि जब भी बिजली कड़कती है उसके बाद साउंड आता है. पहले लाइट आती है फिर साउंड आता है. ऐसा क्यों? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज हायर देन स्पीड ऑफ साउंड. इजी वाला तो आपने बता दिया, अब ये बताओ वो लाइटनिंग हुई कैसे थी? कोई बल्ब लेके बैठा है क्या? वो बटन ऑन करता है क्या बल्ब से? मैडम आप आंसर नहीं देंगे, रुक जाओ. कैसे होता, मतलब ये जैसे, हाँ जी मैम, क्लाउड्स में होते हैं, राइट?
पेड इंटरेक्ट करता है उनसे। राइट, हाँ जी मैम, लास्ट में। राइट, ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली पार्शियली राइट। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात है, क्लाउड कैसे बन रहा है, सेड एयर राइज कर रही है, ऊपर जाके एक्सपैंड कर रही है, और ऊपर कंडेंसेशन हो रही है, तो ऊपर जो कंडेंस्ड मटेरियल है नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसे समझो, बारिश का मैकेनिज्म भी ऐसे है, नीचे से एयर राइज करी जा रही है, क्लाउड बनी जा रहा है, फ्यूल मिली जा रहा है उसे, ऊपर वो कंडेंस होकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है कि जाने दो जाने दो। सो आपस में ये जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तब यहाँ पे चार्जेस मिल रहे हैं, राइजिंग एयर का और कंडेंसिंग एयर का। दैट्स वाई थंडर्स हैपन। और पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ऐसा थंडर होता है कि लाइटनिंग ज्यादा बारिश कम, लाइटनिंग ज्यादा बारिश कम। तो ये बारिश करके तो आग बुझा सकते थे, पानी में आग तो कोई कोई लगा सकता है ना। तो एक्चुअली क्लाउड्स अगर बारिश करते हैं तो आग बुझनी चाहिए, बट इनमें लाइटनिंग इतनी ज्यादा होती है और बारिश इतनी कम कि एक्चुअली ये क्लाउड्स फायर को एक्सेसरबेट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। राइट, सो दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड फायर क्लाउड्स बिकॉज दे एक्चुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइल्ड फायर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम। बड़ी अच्छी कहानी है इसकी, न्यूज में किसका डिस्प्यूट है मुल्ला पेरियार डैम में, तमिलनाडु और केरला का। राइट, अभी डिटेल में भी देखेंगे, इट इज लोकेटेड ऑन कार्डमम हिल, सही, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी डैम, अगेन सही। टाइप्स ऑफ डैम आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, उधर नोट कर लेना भाई मुल्ला पेरियार डैम कैसा है। राइट, सो दिस इज नॉट अबाउट कि कुछ यूपीएससी क्या करता है, जो न्यूज में चीज है उसके स्टैटिक को डिटेल में पूछ लेता है। हमने सारा स्टैटिक ऊपर ऊपर से पढ़ा है कि मुल्ला पेरियार डैम, ऐसे लिखा होगा ना नोट्स में, मुल्ला पेरियार डैम ये रिवर यहाँ पे लोकेशन, ग्रेविटी डैम नहीं लिखा होगा, ग्रेविटी डैम का मतलब नहीं लिखा होगा। सो नाउ इट इज इन न्यूज, इट इज इंपॉर्टेंट। सो इन अ वे इन दिस क्लास वी आर नॉट ओनली डूइंग करंट अफेयर्स, we are actually doing all the important topics across all the components. यहीं से पेपर बनने वाला है, हर साल बनता है। Right? Every year the question paper is made from these topics only. तो आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो रट्टा लगाओ, जिंदाबाद। Right? Then next question. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, बहुत सारी controversy रही थी about science awards. पिछले 2-3 साल से सरकार जो प्रेजेंट साइंस अवार्ड थे वो दे नहीं रही थी, अवार्ड वर नॉट प्रेजेंटेड एंड एवरीबॉडी वाज एंग्शियस कि हो क्या रहा है। तो क्या हो रहा था जी, दे वर प्रिपेयरिंग अ न्यू काइंड ऑफ साइंस अवार्ड फॉर एक्चुअली इंस्पायरिंग द साइंटिस्ट। इंडिया में और चाइना में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगाते, हमारे साइंटिस्ट बाहर जाके नासा में जाके गूगल में जाके अच्छी अच्छी जगह पे अच्छे अच्छे काम करते हैं, इंडिया में नहीं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सो साइंटिस्ट को इंस्पायर करने के लिए भारत रत्न पद्मश्री होता है ना, वैसा ही एक अवार्ड शुरू किया है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और इसको भी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, डिटेल्स अभी आगे देखेंगे। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। सवाल जो न्यूज थी उस पर आया, पहले सवाल किया फिर उस न्यूज को पढ़ा, that's what we are doing. So answer here is first Vigyan Ratna Puruskar was awarded to Govind Rajan. Sahi hai, but ye galat hai. Another chalaki of forming the wrong option. Abhi to shuru hua hai, 1980 mein kaise de dete. Right? Then the Vigyan Award has two categories, Vigyan Ratna and Vigyan Shri. Right? Right? This is also true. Then नेक्स्ट जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये जो पहली फोटो दिखाई थी आपको, दिस वन, दिस इज द न्यूज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपस में लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के जज ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट प्रज्यूम्स टू बी मोर सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स कांट बी प्रज्यूम टू बी लेस हाई। दिस वील डिस्कस इन डिटेल्स एज वेल, बट वन मोर थिंग टू नोट ओवर हेयर, सॉरी, यस, thing is contempt of court act was passed after report of HN Sanyal.
I made this question and then I actually checked the previous year question. Somebody pointed out कि सर ये 2022 का सवाल है, 2022 प्रीलिम का सवाल लगभग इसी पे बेस था, राइट? आई चेक डेट, तो एच एन सन्याल का नाम दिया था वहां पे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट विद पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट दिया था, पर ये वाली स्टेटमेंट नहीं थी. दिस यूपीएससी फॉर्म्ड इन अ डिफरेंट वे. उन्होंने हैक छोड़ दिया था बीच में. कौन सा हैक छोड़ा था? कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स, इस वर्ड के आगे जो मर्जी लिख लो, ये ज्यादातर गलत ही होता है. 99.99% दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड दिस हैपेंड इन 2022 एज वेल, बट आई वाज मोर क्लेवर देन यूपीएससी. आई डिड नॉट राइट कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस बिकॉज आई नो माय स्टूडेंट्स नो द हैक्स एंड माय स्टूडेंट्स विल प्रैक्टिकली हैक इट. सो हेंस आई गेव यू दिस. द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर्स टू डिफाइन कंटेंप्ट वाया लॉ, ऑब्वियसली राइट. अब आप चाहे इसको हटा भी दो, समझो साथ में कंटेंट नहीं अटेम्प्ट भी देखना है, इसको हटा दो. द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर्स टू डिफाइन, इसके आगे जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी लिख दो, ये स्टेटमेंट सही ही होगी, राइट? व्हाई आई से विद सो सर्टेनिटी, बिकॉज दिस इज अ जनरल स्टडीज एग्जाम, दे आर नॉट आस्किंग यू एक्सेप्शंस. As I always say in this exam, if you think of rare things, you will be rarely right. So imagine this, follow this, कि सिर्फ content से नहीं, दिमाग से भी prelim pass होता है. Audible होना सबको पीछे तक. किसी को कोई problem हो, कोई सवाल हो, I again repeat, you can ask me right here, right now. हाँ जी. तीन, तीन. थ्री कैटेगरीज है, एक टीम अवार्ड भी है. थ्री कैटेगरीज, राइट? और कोई डाउट? सो दीज वर द आंसर्स, लेट्स गेट टू द न्यूज. सो सुप्रीम कोर्ट की कहानी सुनते हैं पहले, क्या हुआ. हाँ जी, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज. नेम नहीं लिखा है, जिस पे नेम नहीं हो मेरे को दिखा दो. नेम नहीं है, नेम लिख देना था. करतप्रीत, ये किसकी है? आई हैव टू आस्क लाइक दैट. ये किसका है रजिस्टर? आपका है? और हो गया सब कुछ अरेंज्ड? हाँ जी, एवरीथिंग इज डन, एवरीबडी हैज हिज ओन रजिस्टर नाउ. नेक्स्ट टाइम पेजेस पे लिख लेंगे, इजियर रहेगा. सही जी. सो लेट्स कम टू दिस न्यूज, कहानी सुनते हैं पहले क्या हुआ है. सी, दिस हैज नॉट बीन हाईलाइटेड सो मच इन द न्यूज़पेपर्स, बट this becomes a very relevant, a big breaking news. India में अगर आप पीछे से polity पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि India में presently three pillars हैं सरकार के, state के, judiciary, legislature and executive. उसमें से judiciary is the primus inter pares, meaning कि सबसे first among equals है, सबसे ज्यादा power judiciary wield करती है. But अब जुडिशरी ही जो खुद से अकाउंटेबल नहीं थी किसी को, जो खुद से सारी पावर रख के बैठी थी, आपस में लड़ पड़ी. कैसे? ऑब्वियसली दिस इज द सेटअप इन इंडिया, जुडिशियल सेटअप. पहले लोअर कोर्ट्स आते हैं, फिर हाई कोर्ट आता है, और टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आता है. सो एक मल्लिका शेरावत, नहीं, नॉट मल्लिका शेरावत, जस्टिस राजवीर शेरावत थे. उन्होंने काम वैसा किया. क्या किया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? एक तरह से कोर्ट की मानहानि, डिफेमेशन, कि आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो कोर्ट आप पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला देगा. सो हाई कोर्ट ने किसी केस में किसी पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाई. एग्जांपल से समझते हैं, दिस वुड बी अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, राइट? सपोज
मेरे पास हुनर आते हैं कोर्ट में और जजमेंट के बाद ये मानते नहीं है, जजमेंट को मैं नहीं मानती, तो हम इन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाते हैं, वे क्यों नहीं मान रहे, अंदर कर देंगे, 6 महीने सजा कर देंगे, राइट। देन उसके बाद जो हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 136 आर्टिकल होता है स्पेशल लीव पटिशन, कि कोई भी ऑर्डर कहीं भी इंडिया में कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसको जस्टिस किया जाना चाहिए। सो शी गोज टू सुप्रीम कोर्ट कि मेरे पे हाई कोर्ट ने गलत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाई है। सुप्रीम कोर्ट उस पे स्टे लगा देता है मेरी प्रोसीडिंग्स पे, कि हाई कोर्ट रुक जाओ। अब यहां पे बैठा होता है शेरावत साहब, वो फिर ऑर्डर पास करते हैं और उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी मजा आ जाता है, पढ़ने वाले को भी मजा आ जाता है, यूपीएससी को भी मजा आ जाता है। बट मजे के साथ साथ वी हैव टू नोट डाउन ऑल्सो दैट हाउ अ मैच्योर पर्सन एक्चुअली हैंडल्स डिस्प्यूट। ये जिंदगी में काम आने वाली चीज है। जुडिशरी सबसे ज्यादा पावर क्यों रखती है? बिकॉज जुडिशरी सबसे ज्यादा मैच्योर माइंड रखती है। प्रेपरेशन इज नथिंग बट मैच्योरिंग ऑफ योर माइंड। अगर माइंड मैच्योर नहीं है तो फिर आप राजा बन के भी कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, रंगीला साहब मुगल राजा थे, एक समय था अकबर का और एक समय अब मोहम्मद शाह रंगीला का, कितना बुरा हाल। लिटरली बैटल ऑफ करनाल के बाद नादिर शाह ने उसे उसी के कोर्ट में नचाया था, राइट। सो व्हाट इज द मैच्योरिटी, व्हाट इज द स्टोरी, लेट्स लिसन। सो आफ्टर दैट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वर पुट ऑन होल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस शेरावत सेड दीज लाइंस कि द सुप्रीम कोर्ट सीम्स टू बी मोर सुपीरियर द सुप्रीम देन इट इज इट एक्चुअली इज एंड हाई कोर्ट इज लेस हाई देन इट एक्चुअली इज, ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ये बात लिखी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास कंटेम्प्ट की पावर्स हैं। कौन सा आर्टिकल है जी कंटेम्प्ट की पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? 36 नहीं सर, ये सामने लिखा भी आपके 215 एंड 129। सो शेरावत साहब सेड वन थिंग वेरी क्लियरली कि जैसे 129 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर है, वैसे ही 215 में हाई कोर्ट के पास है। वी हैव रेड दिस इन पॉलिटी दैट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैव द पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट, राइट। हेंस दीज टू हैव सिमिलर एंड सेम पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट कंट्रोल द पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की फंक्शनिंग में बीच में नहीं आना चाहिए और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट बार 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 जस्टिस को डिले कर रहा है और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कहते हैं ना मैं ऐसे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो उस वजह से द सुप्रीम कोर्ट इज एक्चुअली कॉजिंग अ डिले इन जस्टिस बाय इमेजिनिंग इटसेल्फ टू बी मोर सुप्रीम देन इट एक्चुअली इज एंड कंसिडरिंग द हाई कोर्ट लेस हाई देन इट एक्चुअली इज। बट मैच्योरिटी देखो, आगे शेरावत साहब ने ये ऑर्डर नहीं पास किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानता नहीं, इंटरिम ऑर्डर को मानता नहीं। ही सेड वी आर स्टिल बाउंड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज वी हैव टू फॉलो द हायरार्की फॉर द इंस्टीट्यूशनल मैजेस्टी, कि इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। दिस इज हाउ अ मैच्योर माइंड एक्चुअली गोज थ्रू अ डिस्प्यूट। ऐसा नहीं है कि यार मैं चाय बना रही थी, मेरे से कप टूट गया तो पति मेरे को काटने ही आ गया। पति को भी और पत्नी को भी जिंदगी में ध्यान रखना, बोथ हैव टू बी मैच्योर, है ना। टूट गया तो टूट गया यार, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्यों तोड़ा, यू शुड से चाय बाहर पियेंगे, आज मौसम भी अच्छा है ना, रादर देन सेइंग यार कप तोड़ दिया, मेरा फेवरेट था, मम्मी ने दिया था मुझे। यू से मौसम अच्छा है, चाय बाहर पियेंगे और कप तो वैसे भी पुराने हो रहे थे, चलो नए लेके आते हैं। बिकॉज दैट कप इज इररिलेवेंट,
इट इज अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एंड मेच्योरिटी. अगर आपस में लड़ लेते ये जुडिशरी वाले तो किसको मौका मिल जाता है इनकी पावर खींचने का? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को. तो हेंस जस्टिस सहरावत ने तो मेच्योरिटी दिखाई. सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी अच्छी मेच्योरिटी दिखाई. जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो उन्हें एक तुषार मेहता जी हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, वो बोलते हैं कि यार ये तो ये आदमी जस्टिस सहरावत आपकी पावर को चैलेंज कर रहा है, आपके ऑर्डर को रबिश बोल रहा है. देखो सरकार का बंदा है ना तुषार मेहता, एग्जीक्यूटिव का बंदा है, वो उन्हें उत्तेजना दे रहा है कि लड़ो लड़ो मारो मारो मारो. अब दो मेच्योर आदमी है, अगर बेवकूफ होते तो इस घी से आग जल जाती, बट ये घी ने क्या करा, ये मॉइस्चराइजर बन गया दोनों के लिए. सुप्रीम कोर्ट सेड कि ऑल्दो ही हैज पास्ड ग्रेचुटोस ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन तो ग्रेचुटोस है बट हमारे आदमी ने फिर भी हमारा ऑर्डर माना है तो हम भी इसके खिलाफ कोई और गलत ऑर्डर नहीं देंगे. हम बस उसे सलाह देंगे कि फ्रॉम गोइंग अहेड इन द फ्यूचर डू नॉट मेक सच ऑब्जर्वेशंस. और अपने अंदर ही प्रोसीडिंग्स में क्या करा, कौन करता है जी रोस्टर की फाइनलाइजेशन, कौन सा जज क्या सुनेगा? दिस इज द सीजीआई एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल एंड चीफ जस्टिस एट द हाई कोर्ट लेवल. सो सीजीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को बोला फोन करके कि अब से ये लड़का जस्टिस सहरावत कोई भी कंटेम्प्ट के केस नहीं सुनेगा, उसे हटा ही दिया कंटेम्प्ट केसेस. तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को कोई जगह नहीं दी, आपसी लड़ाई आपस में सॉल्व कर ली. बट व्हाई दिस बिकम्स अ गुड और बिग ब्रेकिंग न्यूज, बिकॉज नाउ वी फाइंड दैट द मोस्ट मैच्योरेस्ट माइंड्स हैव समथिंग टू बिकर अपॉन अमंग्स देमसेल्व्स. आपस में लड़ने को कुछ तो मौका है, कहीं तो मोदी जी जाके मसाला लगा सकते हैं कि जुडिशरी की सुप्रीमेसी को या फिर इनगल्फ पावर को, यूजरप्ट पावर को वो डाइल्यूट करके इक्वालिटी ला सकते हैं इन बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. बट अब ये सारी खबर में सवाल कहां से आता है? एज आई सेड ये सारी कहानी है, सवाल यहां से आ जाता है. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है जी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कहानी में सिंपल सी बात है. व्हाट इज कंटेम्प्ट? कंटेम्प्ट इज व्हेन यू डू नॉट अग्री टू द जुडिशरी और यू स्कैंडलाइज और डिफेम इट. कंटेम्प्ट को हम दो तरीके में पढ़ते हैं, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिंपली समझते हैं फिर प्रोविजंस भी देखेंगे. सिविल कंटेम्प्ट ऐसे है जैसे हुनर का केस चल रहा था, लेट्स से इन पे जजमेंट आई, सो इन पे जजमेंट आई कि हुनर को लेट्स से 50,000 आपके देने हैं, राइट? सो जजमेंट थी यू हैव टू गिव 50,000 टू कुंवर, हुनर हैज टू गिव 50,000 टू कुंवर, बट हुनर सेज मैं नहीं देती, ही डज नॉट गिव दोज 50,000 टू कुंवर. सो दिस इज सिविल कंटेम्प्ट कि जजमेंट नहीं मानी. एक तो जजमेंट नहीं मानी, उसके बाद अगले दिन आके हुनर साथ वाले कोर्ट में कंप्लेंट कर रही है कि ये जस्टिस तो गंदा है, ये जस्टिस का तो फलाने फलाने की लड़की के साथ अफेयर है और इसकी बीवी तो इसकी सुनती नहीं. ऑल दो बीवी है नहीं, बट दिस इज व्हाट दिस शी इज ट्राइंग टू स्कैंडलाइज द जुडिशरी. इफ शी ट्राइज टू स्कैंडलाइज और डिफेम द जुडिशरी देन इट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. तो आपको करना क्या चाहिए था? 50,000 देने चाहिए थे, दे दो, मैम ले जाना क्लास के बाद, सही? सो अगर जजमेंट नहीं मानेंगे सिविल कंटेम्प्ट, अगर स्कैंडलाइज करेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट, राइट? एंड ऑल दीज प्रोविजंस. एक और चीज समझो, कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ स्केलेटन. This is the chronology of laws in this country. सबसे सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे देश को ऑर्गेनाइज करा है, लेजिस्लेचर बनाई, एग्जेक्टिव बनाई, जुडिशरी बनाई. अब उसमें से लेजिस्लेचर लॉज बनाता है. तो लॉज आर फाइनर डिटेल्स.
Even finer are rules and regulations. So constitution, if our body was the constitution, अगर हम देश को माने तो जो हमारी हड्डियां हैं वो constitution है ना, उसके ऊपर जो muscles वगैरह हैं वो laws हैं, and जिससे हम act कर रहे हैं हाथ पैर वो rules हैं, right? और regulation क्या है कि सही सही नहीं मानूं, right? So this way, if you see me as a person, do my bones or are my bones visible to you? No. Barring apart, कोई छील के देख ले, ऐसे तो नहीं दिख रही ना. But don't they form my basic structure? So similar to the nation's basic structure inside is formed by the constitution. But the details are given in the laws and rules and regulations, right? So similarly, I say इसमें एक hack भी आता है कि option आ रहा है constitution defines और constitution provide details of, ये दोनों option गलत हैं, बात खत्म. दो number free के हर साल 4 से 6 number free के आते हैं इस बात के, right? So details कहाँ होंगी, यहाँ तो यहाँ या यहाँ. So similarly, constitution में 129 और 215 article बोलता है कि supreme court और high court के पास contempt की powers हैं. क्या है वो कौन बताता है? 1971 की एक्ट है, लॉ है 1971 का, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट. ये एक्ट बनी किसके कहने पे थी? एच एन सन्याल कमेटी बनी थी 1970s में, इन्होंने रिपोर्ट में बोला कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना दो ताकि उसे डिटेल्ड सपोर्ट मिल जाए, हेंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, राइट? और कंटेम्प्ट का केस कैसे चलेगा, वो रूल्स में लिखा है, कोर्ट के रूल्स में. ये भी न्यूज में रहा था कि आप खुद से जाके, सपोज यही केस था हमारे पास हुनर एंड कुंवर वाला, अब कुंवर खुद से जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस नहीं कर सकती हाई कोर्ट में, राइट? हाई कोर्ट की बेइज्जती हुई है तो हाई कोर्ट बताएगा या फिर एडवोकेट जनरल बताएगा, अटॉर्नी और एडवोकेट जनरल एज द केस में भी, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल और इधर एडवोकेट जनरल, है ना? कोर्ट की बेइज्जती हुई है तो पटिशनर नहीं बताएगा, कोर्ट बताएगा. ये कहां लिखा है? रूल्स में. सिंपल सी बात, अब पूछ के देख ले यूपीएससी जहां से सवाल पूछना है. इतनी डिटेल किसी ने इमेजिन भी नहीं करी होगी पॉलिटी पढ़ने वाले ने. पढ़ने वाले ने कैसे करनी थी, पढ़ाने वाले ने नहीं करी, राइट? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिटेल्स वी वॉन्ट. अब आ जाते हैं जी, बादल फाड़ते हैं और बारिश कराते हैं, पर यार हमने तो गाना सुना था पानी में आग लगाएं, इन्होंने बादलों में आग लगा दी. सो दीज आर फायर क्लाउड्स. यूएसए में फायर, कनाडा में वाइल्ड फायर लगी, जंगल में लग गई आग, सीरियस वाली आग, जंगल में मंगल वाली आग नहीं, राइट? सो पायरो वर्ड समझो, पायरो मींस फायर. ऐसी एक चीज आपने एनवायरनमेंट में पढ़ी होगी, पायरोफाइट्स. साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स है ना, उनकी ब्यूटी ही ये है कि आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके ही समझ लोगे क्या कह रहा है. जहां पायरो देखो, फायर, पायरो क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलस इज क्लाउड, निम्बस इज रेन बेरिंग क्लाउड. तो मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है इफ यू अंडरस्टैंड द एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी इज वर्ड फॉर्मेशन, राइट? सो पायरोफाइट्स कौन से हैं? फायर लविंग प्लांट्स. ये आग से प्यार करते हैं. क्यों क्यों करते होंगे जी आग से प्यार? एनी गेसेस? आई वांट वाइल्ड एक्सप्लेनेशंस. क्यों करते होंगे प्लांट्स आग से प्यार? एनी गेसेस? एनीबडी? चलो लेट्स नॉट पॉइंट आउट, कोई बोल दे मुझे बताया क्यों पूछा. एनीबडी? एनी गेसेस? प्लांट्स आग से प्यार क्यों करते होंगे? रोटी बनाते हैं उस पर. मैम एनी गेसेस? कोई तो कुछ तो गेस कर दो यार. देर इज नो स्टूपिड आंसर और स्टूपिड क्वेश्चन, एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग. फतेह सर, हाँ जी, सनलाइट सी होती हो आग से निकाल लेते होंगे. आरती जी, डिम्पी जी, भव्य जी, स्मोक से, हाँ सिगरेट पीते हैं वो. और रोशनी मैडम,
अक्षिता जी, साहिल, एनी गैसेस, वाइल्ड गैसेस, देर इज नो स्टूपिड आंसर यार, डोंट वरी एट ऑल, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं आपके बीच में ही हूं। हाँ जी, कहां से आवाज आई? हाँ जी मैम, इंसुलेट, गर्मी मिलती है उन्हें। अच्छा, उनको आग नहीं लगती, यू वॉन्ट टू से दैट, यू वॉन्ट टू से दैट, प्रोबेबली राइट, इमेजिनेशन है, देखो एटलीस्ट है तो सही है ना, एटलीस्ट यू कैन इमेजिन एनीबडी एल्स। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, बोथ आर एक्चुअली राइट, पार्शली बट नॉट कंप्लीटली। पायरोफाइट्स ना ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, इन काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स और एरियाज वेयर दे एक्चुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिन्यूइंग ऑफ द प्लांट्स। क्या होता है कि वहां पे प्लांट उगते रहते हैं, साथ में वीड्स उगती रहती हैं, तो अब नए प्लांट्स, नई स्पीशीज, हर कोई चाहता है ना आगे मेरा बच्चा हो, वो आईएएस बने, कोचिंग लगाए, नेशनल हॉबी फॉलो करे, है ना, फिर कभी कभार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। एनी हाउ, सो प्लांट्स को रिन्यू करने के लिए, पिछली स्पीशीज को वाइप आउट करने के लिए, पिछली स्पीशीज नहीं एक्चुअली पिछली जनरेशन को, हम भी तो फूकाते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमें भी फूकना पड़ता है जब किसी की डेथ होती है। सो सिमिलरली पायरोफाइट्स आर अवेलेबल इन दोज एरियाज जहां पे थोड़ी सी आग लगना जरूरी है, और आग लग के रिन्यूअल हो जाता है स्पीशीज का, जिसमें वो फैक्टर्स भी प्ले करते हैं जो मैम ने अभी बताए, कि दोज बर्न्ड प्लांट्स एक्चुअली सर्व एज अ फॉडर फॉर द न्यूअर प्लांट्स, राइट। और वहां पे हमने आर्टिफिशियली फायर को अवॉइड करा था, ऑस्ट्रेलिया की बात है ये, आर्टिफिशियली हमने वहां पे सेफ्टी मेजर्स करके और पानी पानी फेंक के फायर को अवॉइड करते रहे, बड़े साल वो बहुत सारा फ्यूल इकट्ठा होता रहा, और फिर जब एक दिन आग लगी, फिर क्या हुआ? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा आग लगी थी, इतनी ज्यादा आग लगी थी कि सारे के सारे, लगभग सारे जानवर मर गए, एंड गलती उसमें इंसान की थी कि जहां पे आग लग रही है लगने दो। इसमें से मैसेज क्या आपके पास? हर किसी आग को बुझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना, कुछ चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं जिंदगी में, लेट द फायर बर्न, राइट। सो सिमिलरली इधर वाइल्ड फायर्स के बारे में क्यूमुलोनिम्बस, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, आई होप वी हैव अंडरस्टूड कि आग लगी, आग की वजह से आसपास की हवा गर्म हुई, एंड द हॉट एयर राइजेस एंड राइजिंग एयर कंडेंसेस। कंडेंस किस पे होता है जी? आपने देखा होगा गाड़ी के शीशे पे छोटी छोटी डॉट्स आती हैं, हवा में चलते हुए नहीं होती। सो कंडेंसेशन को एक न्यूक्लियस, एक सरफेस चाहिए होता है कंडेंस होने के लिए। वाटर वेपर गैस बनी, बचपन में पढ़ा था, पानी गर्म करा उसको भाप बन गई, सो भाप फिर कंडेंस होगी, फिर से पानी बनेगा, पानी बनने के लिए उसे न्यूक्लियस चाहिए, सरफेस चाहिए। क्लाउड्स में कौन प्रोवाइड करता है? द स्मोक और द ऐश, ऐश के पार्टिकल्स पे जाके वाटर वेपर कंडेंस कर जाता है, राइट। फिर वाटर वेपर किससे फाइट कर रहा है? राइजिंग एयर से, है ना। तो जब वाटर वेपर इतना बड़ा हो जाता है कि उसका वेट इस राइजिंग एयर को कंपैट कर सकता है, तो आपके ऊपर एक बारिश की बूंद पड़ती है। ये सोचने वाली बात है कि वो जो बारिश की बूंद आपके मत्थे पे पड़ी है, वो कितने तूफानों से झेल के, कितनी आंधियों से निकल के आप तक पहुंची है। यू शुड थैंक दैट रेन ड्रॉप, है ना, बिकॉज द विंड इज स्टॉपिंग इट, ना ना, दिस इज हाउ रेन हैपन्स। सो इन क्लाउड्स में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी हुई, गर्मी से राइज करी एयर, ऊपर कॉन्डेंसेशन हुई, बट नीचे से हवा इतनी तेज आ रही है कि बारिश नहीं आ पा रही। ये अपने घर की आग तो नहीं बुझा पा रहे, साथ वाले घर जाके भी आग लगा रहे हैं, तो अपने यहां पे तो बारिश करके कुछ नहीं कर पा रहे,
बट अपनी आग साथ वाले घर में लगा रहे हैं कि अपने घर तो बेटे का डाइवोर्स हो गया, साथ वाले का भी करा दिया. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग राइट इन सिंपल वर्ड्स. टेक्निकली दे आर कॉल्ड पायरो क्यूमुलो निम्बस बिकॉज पायरो बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग फायर, क्यूमुलो निम्बस बिकॉज दे आर इन द शेप ऑफ दैट, इन द हाइट ऑफ दैट, सिमिलर टू द क्यूमुलो निम्बस रेन बेरिंग क्लाउड्स. क्लियर होगी जी बात. चलो एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क. देन हसीना जी, हसीना जी की कहानी ये है कि बांग्लादेश, लेट्स इमेजिन दिस, एक बड़ा सा एरिया है, बहुत बड़ा सा एरिया है. यहाँ पे एक कोठी है सोने की, गोल्डन कोठी. यहाँ पे एक कोठी है सिल्वर की. आसपास इसके झुगियाँ हैं, आसपास स्लम एरिया है. एक सोने की कोठी, एक चांदी की कोठी, आसपास झुगियाँ, स्लम एरिया. अब सोने की कोठी वाला भी चाहता है कि झुगियों वाले एरिया पे मैं अपनी कोठी इंक्रीज कर लूं, चांदी की कोठी वाला भी चाहता है कि मैं आसपास जगह लेके सोने की कोठी बना लूं मैं भी. सो इसीलिए ये दो बड़े लोग इन छोटों से खेलते रहते हैं. अब ये छोटे और गरीब लोग भी तो चाहते हैं कि हम ही इनकी कोठी के अंदर बढ़ जाएं, कि हम ही इनके, इनका लड़का ऑडी पे जाता है, मेरा लड़का रिक्शा पे जाता है, इनकी पत्नी ब्रांडेड क्लोथ पहनती है, मेरी पत्नी फटी हुई दुपट्टा पहनती है, पीको भी नहीं करा पाती बेचारी. सो दिस इज द सिचुएशन प्रेजेंटली. ये गोल्डन कोठी चाइना है, ये इंडिया है, और आसपास हमारे स्लम्स पाकिस्तान, जो आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंचा हुआ है कि भैया प्लीज पैसे दे दो. बांग्लादेश जिनकी हसीना भाग गई है ना, श्रीलंका जो प्रेसिडेंट के घर में बैठ के उसके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, इसका डियोर का बैग लेके भाग रहे हैं, ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना. म्यांमार में एक सुई कई थी बेचारी, शी वॉज अ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी, उसको पार्लियामेंट में बंद कर रखा है 2 साल से, इलेक्शन लड़के जीत के. इमेजिन हमारे यहाँ पे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उन्हें पार्लियामेंट में ही ताड़ा लगा दिया कि बाहर नहीं आना, मिलिट्री जुनता ने उनको टेक ओवर कर लिया, वो पार्लियामेंट में बैठे आपस में बात करी जा रहे हैं, खाना खूना फेंक देते हैं बस उनके पास. सो दिस इज हैपनिंग अराउंड अस. इसमें एक केस था बांग्लादेश का. बांग्लादेश फॉर्म कब हुआ था, 1971 में इंदिरा गांधी ने दोनों तरफ, एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी होल्ड्स इट, आई कैन नॉट से इट राइट नाउ बट आई हैव टू, कि एक साइड पे पंजाब वाली साइड पे वेस्ट पाकिस्तान था, इस साइड पे ईस्ट पाकिस्तान था, और एक औरत आई थी पूरी हिम्मत वाली शेरनी, उसने कहा था तुम मेरे से अलग हुए ना जोड़ के दिखाऊंगी राइट. तो विद दैट वी हैड अ पर्सन मुजीबुर रहीम हु हैड टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम द इस्लामिस्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. तो हमने वहां पे मुजीबुर रहीम के साथ मुक्ति वाहिनी बनवाई, और जो एक्सेसेस कर रहे थे, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही थी, उसके खिलाफ जंग में इंदिरा गांधी जी ने हेल्प करी बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से आजाद होने में राइट. सो हेंस वी कुड गेट देम लिबरेटेड. और उन्हीं मुजीबुर रहीम जी की बेटी हैं ये हसीना, शेख हसीना. सो शेख हसीना जी जो प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के, शी वॉज अ कॉन्फिडेंट और अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया. इंडिया के लिए बांग्लादेश बहुत जरूरी है, क्यों अभी बताऊंगा. बट दिस पर्सन, दिस लेडी, दिस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक्चुअली वॉज अ फैक्शनलिस्ट फॉर इंडिया. इंडियन पॉलिसीज को यहाँ सपोर्ट करते थे. बांग्लादेश में बांग्ला पीपल भी हैं, हिंदूज मुस्लिम्स भी हैं. सो मुस्लिम्स की जो ऑपोजिट पार्टी लीडर थे वो पिछली 3 बार से इलेक्शन हार रहे थे और हसीना जी जीत रहे थे. बट फिर क्या होता है जब 2 बारी या 3 बारी आप इलेक्शन जीत जाओ, हमारे यहाँ क्या हुआ, फिर आप अपने आप को खुदा बनने समझने लगते हो.
तो इन्होंने भी लगभग वही कोशिश कर ली, ऑपोजिशन को उठा के जेल में ढक दिया, डिक्टेटोरियल डिक्टेटर जैसे पॉलिसीज पास करने शुरू कर दिए। सो अब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किसने करा? स्टूडेंट्स ने। इट इज द स्टूडेंट्स एक्चुअली हु क्रिएट रेवोल्यूशन, राइट? सो स्टूडेंट्स क्रिएटेड रेवोल्यूशन एंड शी हैड टू रन अवे फ्रॉम द कंट्री। तो अब ये भाग गए हैं, इनकी ऑपोजिशन बाहर आ गई है और एक नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनस को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, आर्मी के कंट्रोल में उन्हें नॉमिनेट किया गया, राइट? सो एन एजुकेटेड पर्सन विल हेड द कंट्री, बट व्हाट इज द इशू विद इंडिया? अब इनके ऑपोजिशन में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इट इज वेरी लाइकली कि ऑपोजिशन ही सरकार बनाएगी, और फिर ऑपोजिशन जो इसकी सपोर्टर थी चांदी वाले घर की, ऑपोजिशन इसको अपोज करेगी। तो वो खुद को तो स्ट्रेंथन करेंगे ही करेंगे, हमें तो अपोज करेंगे ही करेंगे, बट ये सोने के घर वाले को मौका मिल गया कि मैं आ जाऊंगा अब यहाँ पे, तो हमें दोनों जगह दिक्कत है। और अगर मैप को इमेजिन करो तो बांग्लादेश इंश्योर्स कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट, एंड बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसे नहीं है कि पूरे वो कुछ लगा हुआ है, तारे वारे लगी या नहीं आ जा सकते, इतना फर्क है विलेजेस में कि आप इधर खड़े हो तो इंडिया में हो, थोड़ा सा इधर आगे तो बांग्लादेश में हो। सो नाउ आई माइट बी अ बांग्लादेशी, राइट? सो दिस इज द इशू इन बांग्लादेश, राइट? ये मेंस में सवाल कहां से आता है भी, इंडिया पे क्या इंपैक्ट है? तो करंट सिचुएशन क्या थी, वी हैव अंडरस्टूड, प्रोटेस्ट हो रहे थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल लैंडस्केप में इन्होंने डिक्टेटर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया, एंड डिसरप्शन इन एक्सपोर्ट फ्लो। बांग्लादेश टेक्सटाइल्स के लिए, टेक्सटाइल्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनफैक्ट जो जूट की मैन्युफैक्चरिंग, जूट की चीजें हैं वो हुगली रिवर पे बहुत अच्छी बनती हैं, एंड बांग्लादेश इज वेरी वेरी एफिशिएंट इन दैट। सो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर इनके कॉन्सोनेंस में, इनके साथ चलता है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है, आपदा में अवसर भी है। इंडिया को जो टेक्सटाइल सेक्टर था, इंडिया कुड एक्सपोर्ट इट, टेक्सटाइल शिफ्ट कुड नॉट बी गैदर्ड बाय इंडिया। जो टेक्सटाइल के इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट था वो बांग्लादेश वियतनाम ने कैप्चर कर लिया था, तो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो प्रोबेबली बीइंग वेरी श्रूड एंड सेल्फिश, वी कैन सी एन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर एज वेल। द वैक्यूम लेफ्ट बिकॉज ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कैन बी यूज्ड बाय आवर टेक्सटाइल सेक्टर। दिस इज नोवेयर मेंशनड इन न्यूज, दिस इज नोवेयर मेंशनड इन एनी न्यूज़पेपर, दिस इज अ पर्सनलाइज्ड एनालिसिस, राइट? तो हिंस फर्दर इंस्टेबिलिटी इंडिया को क्या इफेक्ट करती है, यहां से सवाल मेंस में आता है ना? एक तो ट्रस्टेड दोस्त चला गया, झुग्गियों में हमारा एक दोस्त था वो छोड़ के चला गया, अब हमारे लड़के लड़की जो झुग्गियों में घूमेंगे उनकी सेफ्टी कौन देखेगा, है ना? देन वेस्टर्न स्क्रूटनी एंड पोटेंशियल बैकलैश, वेस्टर्न नेशंस बोल रही है कि आप इंडिया एक डिक्टेटर टाइप के बंदे को वहां पे सपोर्ट क्यों कर रहे थे, शी वॉज बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर, आप तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, आपको उसको हटाना चाहिए था, अब वो भाग गई है तो आप दूसरों से मिलने की बात कर रहे हो। सो वेस्टर्न नेशंस पे भी इफेक्ट आएगा, जो हमारी दोस्ती अपने से भी अमीरों से है, डायमंड के घर वालों से है, है ना? सो वो भी इफेक्ट होगा। देन सिग्निफिकेंस क्या है जी, नॉर्थ ईस्ट से हमारा कनेक्शन है ज्योग्राफिकली थिंकिंग, है ना? इंडिया के नक्शे में ईस्टर्न साइड पे बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, एंड नॉर्थ ईस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, राइट? देन ट्रेड पार्टनर, इधर से प्रीलिम का सवाल भी आ जाता है। बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। पिछली बार स्टेटमेंट 2 साल पहले बनी थी, नेपाल इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। इसमें दो चीजें देखनी है, एक तो वो नेपाल नहीं बांग्लादेश था, नेपाल तो इतनी सी इकॉनमी है, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया नेपाल का हो सकता है, नेपाल इंडिया का नहीं, समझे? इंडिया कैन बी द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ नेपाल, नेपाल कैन नॉट बी द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, राइट? एक और बात, बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, ये गलत है स्टेटमेंट जब तक साउथ एशिया नहीं लिखा, बिकॉज दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, साउथ एशिया में हो सकता है। इधर से प्रीलिम का सवाल आ जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से याद रखना, चाहे नोट कर लो, बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया, नॉट इन द वर्ल्ड।
एक तो बांग्लादेश है और साउथ एशिया में है। दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा इंडिया का? दो ही नाम आ रहे हैं ना, कोई नेपाल बोल रहा है, कोई पाकिस्तान बोल रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखें, सबसे ज्यादा वैल्यू वाइज एक्सपोर्ट हमारे यूएसए को होते हैं, और इंपोर्ट देखें सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारे चाइना से होते हैं, राइट। इसमें चेंज कभी कभार ऐसे आता है, सऊदी अरेबिया समटाइम्स रिप्लेसेस, राइट। हेंस सो दिस इज समथिंग वी नीड टू नोट अबाउट द प्रीलिम्स एज वेल। बाकी मेंस के लिए क्या है जी, नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन था वो अनस्टेबल हो गया, ट्रेड पार्टनर था, टेररिज्म वहां से, इस्लामिस्ट टेररिज्म हो सकता है, जो हिंदूज वहां पे अवेलेबल हैं, ममता दीदी को प्रॉब्लम होएगी अब कि हमारे बांग्ला लोग क्या करेंगे, है ना, बांग्लास के खिलाफ एक्टर मार दिया, वायलेंस में तो क्या पता लगता है कौन मर रहा है कौन जी रहा है। सो दैट इज ऑलवेज एज महात्मा गांधी सेड, वायलेंस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू पीस एवरीवेयर, राइट। सो पीस हर जगह, हमारे आसपास कोई लड़ रहा हो तो हमें भी दूर रहना चाहिए, जिंदगी में ध्यान रखना। आपस में गोलियां चल रही है ना, वहां खड़ के देखना नहीं है, वीडियो बना रहे हैं, आपको भी लग जाएगी, राइट। सो दिस इज द आइडिया ओवर हियर। देन एक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज क्रूशियल फॉर व्हाट, फॉर द सक्सेस ऑफ बिम्सटेक। इस हफ्ते ये न्यूज में, अगले हफ्ते इसमें से सवाल होगा, पकड़ लेना, डेफिनेटली होगा। इंडिया इज ट्राइंग फॉर फ्री ट्रेड अलायंस विद बिम्सटेक। एक क्वेश्चन तो मैं आपको बना के दे रहा हूं, बिम्सटेक से सवाल पूछूंगा, आप आंसर करके दिखाना, सही जी। देन व्हाट चैलेंजेस लाई अहेड, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनसर्टेन है जी। अब इंडिया क्या हसीना को ही सपोर्ट करे या उनके ऑपोजिशन से बात करे, राइट। देन रीजनल जियोपॉलिटिक्स में सोने की घर वाले आ जाएंगे, चाइना वाले, सोने की कोठी वाले आ जाएंगे यहाँ पे, अब दे विल हैव अ रोल टू प्ले, दे वुड वॉन्ट टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस, राइट। इंडिया को करना क्या है जी, इट विल नीड टू एंगेज इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। वर्डिंग देखना, ऐसे लिखनी है ब्यूरोक्रेटिकली, इंडिया विल नीड टू एंगेज इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स टू इंश्योर दैट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, दैट इज टेररिस्ट एंड ऑल दोस, डू नॉट गेन अ फुटहोल्ड एंड दैट बांग्लादेश इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सपोर्टेड। एक चीज ध्यान से सोचो, आप चाहे एप्पल के फाउंडर के बेटे को या माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के बेटे को 5,000 करोड़ का पैकेज भी दे दोगे तो टेररिस्ट बन जा, वो नहीं बनेगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ श्योर शॉट क्योर और एटलीस्ट अ कंट्रोलर ऑफ टेररिज्म, है ना। टेररिस्ट कौन थे, वो अजमल कसाब को पकड़ा, वो क्या बोलता था, मैं गरीब परिवार से था इसलिए फायर करने लग गया। ऑल दो आइडियोलॉजी पढ़ा लिखा और अमीर देगा, ओसामा बिन लादेन वॉज वेल रेड, बट उसको फाइटर भी तो चाहिए। तो अगर आप डेवलप कर दो नेशन को, इस्लामिस्ट वर द मोस्ट प्रॉस्परस नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड इन हिस्ट्री, बट दे मिस्ड द रेनेसांस, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई थी उसे मिस कर दिया, वो उसी रिलीजन पे रह गए, तो उस वजह से पिछड़े रह गए, डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अब क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, पढ़ लिख के इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर एंड पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म। बट क्या वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, उन्हीं के एक लड़के ने गोल्ड मेडल जीता है। सो वी नीड टू बी मैच्योर एंड सपोर्ट देम, द गुड वंस, द मॉडरेट वंस, द अचीवर वंस, सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, है ना। कभी कभी अपने दिखने में सीमिंगली दुश्मन में भी अच्छाई देख करके उसकी सपोर्ट कर दो तो जिंदगी आसान हो जाती है, राइट। सिमिलर इज द सिचुएशन ओवर here, then these are all the impacts. ये कहानी समझ ली तो you will be able to understand them. Then last thing is international conference on agriculture economics. ये हमने बात कर चुके हैं सवाल में, इंडिया में हो रहा है from 2nd August to 7th August, and this conference is a prestigious event organized by the International Association of Agriculture Economists, which gathers experts, researchers. अब ये चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है, है ना। ये एज सच आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो, तो एक बार इसकी टोन समझनी है कि टोन कैसी है। स्कूल वाली टोन नहीं है, ऑफिशियल टोन है। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ ब्यूरोक्रेट, अ सक्सेसफुल एस्पिरेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट हु डज नॉट क्लियर द मेंस, है ना। भाषा ऐसी होनी चाहिए,
पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाती है, एवरीबडी गेट्स इट. सो प्लीज रीड द टोन. आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कि ऐसी सी ऑर्गेनाइजेशन प्री में कैसे आती है और इसकी जो होल्डिंग्स होगी वो मेंस में कैसे आएंगे, है ना. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, क्या करेंगे बिना पढ़े बताओ, एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनवाएंगे, वही बात लिखी है उस पर रिसर्च करेंगे, उसकी पॉलिसी बनाएंगे. इसको याद करने की जरूरत क्या है, राइट. वी मस्ट रिमेंबर हाउ वी डिड द थिंग्स. देन मुल्ला पेरियार डैम. मुल्ला पेरियार डैम की कहानी बहुत अच्छी है. ये कब बना था जी? दिस वॉज मेड इन 1800s. फिर आ जाते हैं, कहानी सुना रहा हूँ बाकी फैक्ट बताऊंगा. 1800s में बना था, फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं. ब्रिटिशर्स इसको ऑब्वियसली इंडिया को कॉन्कर करते हैं. तो इंडिया को कॉन्कर करते करते ब्रिटिशर्स टुक कंट्रोल ऑफ दिस डैम एज वेल. तो उन्होंने क्या करा, था डैम ज्योग्राफिकली केरला के एरिया में, बट तमिलनाडु उसको एडमिनिस्टर करता है. दिस स्टोरी ओवर हेयर. द एग्रीमेंट ग्रांटेड फुल राइट्स टू तमिलनाडु टू कंस्ट्रक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन द लैंड. ये ब्रिटिश रूल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी को दिया गया, है ना. सो ब्रिटिशर्स ने एग्री करा कि है तो डैम केरला में, बट इसको बनाएंगे और एडमिनिस्टर करेंगे तमिलनाडु वाले. जो पेरियार रिवर वेस्ट को फ्लो कर रही है उसे ईस्ट को करके थोड़ा सा पानी तमिलनाडु को दे देंगे, राइट. सो तमिलनाडु को पानी जाएगा और केरला की जमीन पे, आप मानो कि आपके घर पे एक पानी की टंकी साथ वालों ने लगा दी और थोड़ा सा पानी आपसे ले रहे हैं. फिर ब्रिटिशर्स तो चले गए. उसके बाद अब केरला कहता है डैम तो मेरा है, तमिलनाडु कहता है डैम तो मेरा है. तमिलनाडु हैज एन एग्रीमेंट टू इट, बट दे से ब्रिटिशर्स तो गए. सो द डैम प्रेजेंटली, द डिस्प्यूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन वेरी पिक्यूलियर फैक्ट. हमारे यहां पे हम घर तो बना लेते हैं, गाड़ी तो ले लेते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते, है ना. सो सिमिलरली डैम तो बन गया, उसकी मेंटेनेंस रेगुलर नहीं थी. तो एक बारी ये शंका जताई जाती है, डाउट होता है कि लेट्स से, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 10 लीटर की टंकी थी, 100 लीटर की थी, चलो 100 लीटर की टंकी यहां तक भरती थी. तो इफ द वाटर इज मोर, द प्रेशर ऑन द वॉल्स वुड बी मोर, राइट. सो अब ये शंका जताई जाती है कि डैम कच्चा हो चुका है, इसमें अगर पानी ज्यादा भरा तो ये फट जाएगा. पर ये भी तो था ना कि डैम किसके घर है, पड़ोसियों के घर. टंकी पड़ोसियों का घर है, फटी तो भीगेगा कौन, पड़ोसी का लड़का, हमारा नहीं. हम तो उनसे नलके से पक्षी ले रहे हैं, फटी तो टंकी, फटी तो तुम्हारी, मेरी नहीं, राइट. सो अब केरला बोलता है कि ना ना ना, इसे यहां तक भरो, बस आधा भरो. यहां से डिस्प्यूट ओरिजिनेट होता है. तमिलनाडु कहता है भैया हम दीवारें ठीक करा देते हैं, पूरा भरने तो दो, पानी नहीं आ रहा हमारा. एक बेटा ऑल्टरनेटिव नहीं नहा रहा है, मंडे को एक नहाता है, ट्यूजडे को एक, हमें पानी पूरा भरने दो. जो हफ्ते में एक बार नहाते हैं वो और भी खुश हैं, राइट. सो अब हाफ भरे से फुल भरे, इसके करके डिस्प्यूट चलता रहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपेयर हो गया है जी, पूरा भर दो. अब फिर से न्यूज में आया, अभी तक इसको ये नहीं जान पा रहे हम कि क्या ये दीवारें पूरा पानी झेल पाएंगी कि नहीं. तमिलनाडु कहता है हाँ, केरला कहता है फटेगा तो मेरे घर में, पानी आप ले रहे हो, बंदे मेरे मरेंगे. और केरला में एक और कंट्रोवर्सी नहीं, एक्चुअली ट्रेजेडी, क्लैमिटी हुई है, वो भी वायनाड में. क्या हुआ आपको पता है? तो वो और डरे हुए हैं कि अब तो बिल्कुल मत भरो, पहले हमारे कितने लड़के मर गए. हेंस दिस द कंट्रोवर्सी, दिस इज द क्वेश्चन. एंड सवाल कहां से आ जाता है, कंफ्यूजिंग सवाल बनाने का. पहली स्टेटमेंट कि मुल्ला पेरियार डैम का पानी तमिलनाडु यूज करता है, मुल्ला पेरियार डैम को तमिलनाडु एडमिनिस्टर करता है. तीसरी स्टेटमेंट, मुल्ला पेरियार डैम केरला में लोकेटेड है. बंदा पढ़ते पढ़ते सोचता है यार, पानी तमिलनाडु का, एडमिनिस्ट्रेशन तमिलनाडु की, लोकेशन केरला, ही गलत है. बट ये सच है. दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर एक्चुअली मेड, राइट. इसमें एक और चीज है, ये भी न्यूज में रहती है, डैम सेफ्टी एक्ट. ये इंडिया ने 2021 में क्रिएट करी थी कि बिकॉज एज जवाहरलाल नेहरू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सेड दैट डैम्स आर व्हाट,
the temples of development, right? So temples of development India को major बड़े बड़े बहुत dam बनाए, but as I said in the beginning, बना तो दिए, गाड़ी खरीद तो ली, but अब उसकी एक ही light जलती है, maintain नहीं करते हम, है ना? So hence dams को हमने maintain नहीं करा. Dam में क्या होता है? पानी आ रहा है, रुक रहा है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, siltation हो जाती है, right? So hence सेफ्टी नहीं रहती डैम्स की, इसलिए हमने डैम सेफ्टी एक्ट बनाया. तो यूनियन अब एक टीम बनाएगा, कमिटी बनाएगा जो सारे डैम्स की सेफ्टी देखेगा. अब केरला और मुल्ला पेरियर वाले डैम में भी ऐसी एक कमिटी थी, अब कहा जा रहा है कि डैम सेफ्टी एक्ट वालों को उसको सुपरवाइज करने दो कि वो दीवारें टंकी की साफ हैं और तगड़ी हैं या नहीं है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू Go ahead with. The last topic is राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसकी डिटेल्स हम बात कर चुके हैं कि नया पुरस्कार आया था, साइंस को इनोवेट करने के लिए आया था. फैक्चुअल डिटेल्स थोड़ी सी देखनी है कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में किस आदमी को, चंद्रयान टीम को टीम अवार्ड मिला है ना, एंड विज्ञान रत्न किसको मिला है? विज्ञान रत्न मिला है सर, बायोकेमिस्ट है गोविंद राजन पद्मनाभन. UPSC does not ask names usually. They ask you this. State service में नाम आ जाता है. State service में नाम भी आता है. UPSC में नाम usually नहीं आता. UPSC asks you this. New set of awards हैं. Government of India ने science tech के लिए evolve किए थे. क्या करना है जी? Inspire करना है scientist को, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं. Eligibility. This is what becomes a question. कि कौन-कौन eligible है? Right? वर्किंग इन गवर्नमेंट आपको मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में साइंस में वर्क कर रहे हो मिल सकता है. पीपल ऑफ, दिस इज व्हाट कंफ्यूजेस यू, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग अब्रॉड आर आल्सो एलिजिबल इफ दे वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ इंडियन कम्युनिटी. और यंगस्टर्स का जो अवार्ड है वो 45 ईयर्स तक मिलता है. दिस इज यंग इन साइंस, है ना? 45 इज वेरी यंग इन साइंस. साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, 15 साल का बच्चा थोड़ी करेगा. तो इनको यंगस्टर्स की कैटेगरी में 45 है, ध्यान रखना. यहां से ऐसे वैसे सवाल आ जाते हैं. एंड ऑब्वियसली दिस, तीन कैटेगरीज में, चार कैटेगरीज में सॉरी, अवार्ड दिया जा रहा है. विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप एंड विज्ञान टीम, राइट? सो दिस इज युवा शांति वाला 45 ईयर्स तक है, ये टीम को दिया जाएगा 3 और मोर. दिस इज द हाईएस्ट. ऐसा सा सवाल पद्मश्री, पद्म रत्न एंड भारत रत्न पे HCS, UPSC बार बार पूछता है. एक्चुअली इधर पूरा देश हरियाणा से इंस्पायर हुआ है, और वी आर लकी कि हमारे पास हरियाणा के रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं. सो हरियाणा PCS में, HCS में सवाल आया था अर्जुना अवार्ड पे, इफ एनीबडी रिमेंबर, जिसने दोनों पेपर दिए हो. अगले साल UPSC ने सेम सवाल पूछ लिया. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब ये सवाल अगर HCS पूछेगा फिर UPSC में आएगा, तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं, दोनों में सही करेंगे, राइट? सो दीज आर दी थ्री कैटेगरीज एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच. अब सर वुड टॉक टू यू फॉर 5-10 मिनट्स और ही विल डिलीवर द नेक्स्ट थिंग. किसी को मेरे से कोई डाउट हो तो बताओ. एक और चीज है, ये लिख लाना बाद में, नेक्स्ट टाइम यू आर सपोज टू सबमिट दिस. और इस बार सारे करेंगे सबमिट अलोन, और लेट्स से लेट इट बी 100% सक्सेस. जो भी जब भी सबमिट करना चाहे, आंसर मेरे को बाय पेज, बाय PDF, बाय मेल, जो भी मीडियम है, चाहे पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल देना, बट कर देना आंसर सबमिट. मेरी फोटो नहीं लेनी यार, क्वेश्चन की लेनी है. मेरी फोटो आपको मिल जाएगी इधर उधर, गूगल पे मिल जाएगी, राइट?